हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि कश्यप आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे ड्रकोलैक्स टैबलेट के बारे में। यह क्या है, इसके यूज़ क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, यह सब जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। ड्रकोलैक्स एक ऐसी दवा है जो कब्ज़ की समस्या को ख़त्म करता है। ड्रकोलैक्स हमारे हाथों के सक्रियता को बढ़ाता है, जिसके कारण मलदार से मल की समस्या काफ़ी आसानी से बाहर निकल आती है। कब्ज की समस्या अत्यधिक बढ़ जाने के कारण गुदे में मौजूद तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। कब्ज की समस्या अत्यधिक बढ़ चुकी हो या कब्ज शुरुआती दौर में हो, ड्रकोलैक्स सभी तरह के कब्ज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। इसमें बीजाकोडियल 5 mg होता है, जो आंत की मांसपेशियों को आराम करने में सहायता करता है और पानी की आंतों में घुसपैठ करने की अनुमति देता है। यह मल को नरम बनाता है ताकि इसे नियमित कब्ज की स्थिति में शरीर में आसानी और कम से कम दर्द के साथ समाप्त किया जा सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ड्रकोलैक्स उत्तेजक रूप में काम करता है, जो आंत की आंतरिका परत को बढ़ाता है। यह मल के मार्ग में अपशिष्ट उत्पादों को स्थानांतरित करने के लिए आंत्र को आसान बनाता है। ड्रकोलैक्स टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो ड्रकोलैक्स टैबलेट का साइड इफ़ेक्ट सभी लोगों में देखा नहीं गया है। इस टैबलेट का दुष्प्रभाव शरीर के लक्षणों पर निर्भर करता है या इसमें मिली हुई सक्रिय सामग्री से। अगर आपको से एलर्जी है तभी इस टैबलेट का साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। इस टैबलेट का इस्तेमाल अधिक खुराक इस्तेमाल करने के बाद ही इसका दुष्प्रभाव देखा गया है। अगर आप इस दवा का इस्तेमाल सही खुराक, सही समय और किसी प्रशिक्षित डॉक्टर के कहे अनुसार ही इसकी खुराक का इस्तेमाल करें तो इस दवा का जटिल दुष्प्रभाव बहुत ही कम देखा गया है, जैसे पेट में दर्द, पेट में ममोरा, नोजिया एंड वॉमिटिंग और डायरिया। इसके घातक साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो ये इस प्रकार हैं: एलर्जी, मल में खून आना, जटिल दस्त, थकान, चक्कर आना, इरेगुलर हार्ट बर्न, ये सब इसके जटिल साइड इफ़ेक्ट हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।